नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद रईस और आप देख रहे हैं प्रकाश प्रभावी। पेश है आज की प्रमुख खबर। यूपी के जनपद लखनऊ में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा पहुंचे शहीद स्मारक, शहीदों को पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर डिप्टी सीएम ने किया नमन। मेयर संयुक्त भाटिया, डीएम अभिषेक प्रकाश, शहीद शहीदों के परिजन भी मौके पर रहे मौजूद। चौरी चौरा शताब्दी समारोह मना रही आज बीजेपी सरकार। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में विपक्ष की नकारात्मक भूमिका दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। देश में हिंसक आंदोलन हो, इसकी प्रेरणा जब राजनीतिक दलों के माध्यम से मिलेगी तो देश में अराजकता का वातावरण तैयार होने में देर नहीं लगेगी। और आज विपक्ष हताश और निराश है, क्योंकि विकास की जो अवधारणा है और जो विकास की प्रक्रिया है वो पूरे भारत में द्रुतगामी गति से चल रही है, और ऐसे समय उनके पास वो मुद्दा विहीन है विपक्ष। और किसान आंदोलन में, जबकि किसानों के हित के लिए उनकी आमदनी दोगुनी बढ़े, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार सतत प्रयत्नशील है, ऐसे समय एक नकारात्मक भूमिका देके आंदोलन की दिशा बदलने के लिए और उसको एक गलत तरीके से उसका मूड़ देने के लिए तरह तरह के जो षड्यंत्र विपक्ष कर रहा, और ख़ासतौर से कांग्रेस, मैं समझता हूँ ये राष्ट्रहित में नहीं है।